देखो कंपस से भी नहीं बनेगी इतनी गोल। जरा सा बदलाव रिश्तों की सेहत के लिए अच्छा है, तो क्यों ना अपनों का खाना धारा ऑयल में बनाएं और रिश्तों की सेहत बढ़ाएं। आपका अपना शोरूम पुजारी मोटर्स सुजुकी शोरूम किल्ला इनाका बालाकोट रोड दमोई। गाड़ी खरीदने से पहले एक बार अवश्य पधारें या हमें फोन करें, हम आप तक पहुंचेंगे। वर्ल्ड वॉच न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को विकास अग्रवाल का नमस्कार। दमोह शहर के आसपास की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे आपको हर खबर का तुरंत अपडेट मिलता रहे। आइए नजर डालते हैं बड़ी खबर पर। दमोह जिले में पिछले दो दिनों से लगातार हादसे सामने आ रहे हैं। आज एक और हादसा सामने आया, जहाँ दो अलग अलग हादसों में चार लोग घायल हुए, जिनमें दो को प्राथमिक उपचार के बाद जबलपुर रेफर किया गया है। पहला हादसा जिले के तेजवा थाना अंतर्गत इमलिया चौकी के राजा पटना और अर्धखेड़ा के बीच में दो बाइकों की आमने सामने की भिंडत हो गई, जिसमें तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें से बारेलाल सेन की नाजुक स्थिति को देखते हुए जबलपुर रेफर कर दिया गया। वहीं दूसरा मामला नरसिंहगढ़ शासकीय रेस्ट हाउस के पास दमोह छतरपुर मार्ग पर ट्रैक्टर व बाइक चालक के बीच टक्कर हो गई। दुर्घटना में ट्रैक्टर पलट गया, वहीं बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे नरसिंहगढ़ चौकी के द्वारा दमोह जिला अस्पताल भेजा गया था, जहां से उसे जबलपुर रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि बाइक सवार कंबल का विक्रेता था। घायल के पास मिले आधार कार्ड के अनुसार युवक का नाम राहुल नाथ कुर्सी विक्रेता की जानकारी प्राप्त हो रही है, जिसे इलाज के लिए जबलपुर रेफर किया गया है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। दमोह की साइड आ रहे थे, तो राजा पटना के वहाँ पर मालूम नहीं, मैं तो पीछे से आ रहा था, तो एक्सीडेंट हो गया। कैसे हुआ ये? कैसे? मोटरसाइकिल। कितने लोग थे? दो जन। ये मेरा छोटा भाई है, ये पढ़ा है, हमारे मिली। अच्छा, कहाँ कहाँ के हो आप लोग? हम खेजरा पटना से। राजा पटना के? खेजरा पटवाना। खेजरा पटवा पटवाना। ये कौन से थाने में पड़ता? ये दमोह जिला में थाना, ये अपना बिहार थाना लगता है। थाना। और ये अलग है ये लोग? वो अलग, उसी से गाड़ी से हुई है ना। वो भी इसी से मिलेगी? हाँ, एक ही है, मतलब ये दोनों एक गाड़ी पे। दो गाड़ियाँ आमने सामने।